हेलो शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सागर निगम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई गवर्नेंस के बारे में कि ई गवर्नेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और इसके लाभ तथा हानि के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। ई गवर्नेंस गुजरते वक्त के साथ भारत एक शक्तिशाली देश बनने की राह में आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं भारत सरकार देश को शक्तिशाली बनाने के लिए कई सारे काम कर रही है। भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि देश के साथ नागरिकों की भी तरक्की हो सके। उतना ही नहीं, सरकार अपने दफ्तरों में भी कामकाज के तरीके बदलने में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों में काम किए जाते हैं उनकी रफ्तार ना के बराबर होती है। वही समय था जब सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए लोगों को पूरा दिन निकल जाता था, फिर भी काम नहीं हो पाता था। कामों के लिए लोगों को हफ्तों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लोगों की इन्हीं परेशानियों को समझते हुए कंप्यूटर इंटरनेट का लाभ उठाते हुए सरकार ने ई गवर्नेंस की शुरुआत की। सो दोस्तों इस तरीके से इन सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार ने इंटरनेट और कंप्यूटर का लाभ उठाते हुए ई गवर्नेंस की शुरुआत की। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ई गवर्नेंस की एक परिभाषा के बारे में, यानी उसका असल में अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस यानी ई शासन इंटरनेट के जरिए सारी सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है या फिर ई शासन कहा जाता है। इस शासन में शासकीय सेवाएं तथा महत्वपूर्ण सूचना इंटरनेट के जरिए लोगों को मुहैया कराई जाती हैं। यदि अब हम बिजली और पानी का बिल अपने घर पर इंटरनेट के जरिए भर पा रहे हैं तो इसे ई गवर्नेंस के जरिए हम कर पा रहे हैं। और ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई शब्द का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक और गवर्नेंस का मतलब है शासन यानी ई शासन। दोस्तों सरल शब्दों में कहूँ तो ई गवर्नेंस का मतलब सभी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुँचाना है, जिससे सरकारी कार्यालयों और जनता दोनों के पैसे की और समय की बचत हो सके और बार बार आपको कई काम करने के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सीधे और सरल शब्दों में कहूँ तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे अपने कई कार्यों को ऑनलाइन ही अप्लाई करके कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं ई गवर्नेंस की एक पॉलिसी के बारे में यानी योजना के बारे में। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी NEGP। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के जरिए ही भारत सरकार देश की सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए देश के आम नागरिकों तक पहुँचाना चाहती है। इस योजना की शुरुआत 2006 में ही हुई थी। अभी तक सरकारी योजना लक्ष्य को पाने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग द्वारा बनाई गई है। दोस्तों अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्यों के बारे में कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला है सरकार तथा नागरिकों में संवाद होना, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है सरकार की प्रतिक्रिया जल्दी मिलना। तीसरा है भारत को डिजिटल बनाना। चौथा है नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना। पांचवा है पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करना, यानी सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता और जवाबदेहिता का पालन करवाना। छठा है सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना। दोस्तों अब इन उद्देश्यों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इनका असल मतलब क्या है। पहला है सरकार और आम जनता के बीच अच्छी तरह से संवाद हो सके। कोई भी नागरिक किसी सरकारी सेवा से नाखुश है तो वह सरकार को ऑनलाइन अपनी प्रॉब्लम का फीडबैक दे सके, ये इसका एक प्रमुख उद्देश्य है ई गवर्नेंस का। दूसरा है सरकार और नागरिकों के बीच में विश्वास में वृद्धि हो सके। तीसरा है शासन के किसी निर्णयों में सुधार लाया जा सके। चौथा है आम जनता के लिए अच्छी और बेहतर सेवाएं प्रदान करना ताकि उनके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएं। दोस्तों पांचवा पॉइंट है इस सुविधा के माध्यम से चल रहे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, यानी भ्रष्टाचार खत्म करना ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों सातवां पॉइंट है व्यापारियों कर्मचारियों और नागरिकों को सीधे सरकार से जोड़ना, जो कि ई गवर्नेंस के थ्रू किया जा सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है लोगों को डिजिटल बनाने में मदद करना। डिजिटल का मतलब है वो सारे काम अपने घर से बैठकर कर सकें, जिससे उनके समय और पैसे की भी बचत हो सके। दोस्तों अगला पॉइंट है सरकार नागरिकों की समस्याओं के जवाब देने में बहुत समय लगाती है, लेकिन ई शासन का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी खत्म करना। दोस्तों अगला पॉइंट है शासन दक्षता में इम्प्रूव करना, यानी शासन की जो दक्षता है कार्य करने की क्षमता है उसको इम्प्रूव करना ई गवर्नेंस के थ्रू, इसका एक प्रमुख उद्देश्य है।
और सूचनाओं द्वारा लोगों को सशक्त बनाना। ई गवर्नेंस के थ्रू लोगों के पास सूचनाएं होंगी, जानकारी होगी। दोस्तों अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के फायदे के बारे में कि इसके फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, सरकारों को ज़्यादातर खर्चा कागज पर करना होता है, लेकिन ई शासन का उपयोग करके सरकारी काम ऑनलाइन किया जाता है, इसलिए इससे कार्य के लागत में कमी आ जाती है। यानी जो कागज़ पर खर्चा करना पड़ता है वो अगर हम काम ऑनलाइन कर सकते हैं तो उससे जो खर्चा होता है उसमें कमी आ जाती है। दूसरा पॉइंट है, आम आदमी या सामान्य जनता को अपने घर से किसी सरकारी काम के लिए सरकारी दफ्तरों में आने जाने में बहुत समय लगता था और तो और पैसा भी खर्च करना पड़ता था, लेकिन ई गवर्नेंस से आप घर बैठे ही कई सारे कार्य अपने घर से आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ई शासन से कम समय में आपका काम हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा कहीं से कभी भी ऑनलाइन काम किया जा सकता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, प्रशासनिक प्रक्रिया में कागजी कार्यवाही लाल फीताशाही को कम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच नियोजन और समन्वय बना रहता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, जनता और व्यवसायों को अधिक से अधिक सुविधा मिलती है और इससे व्यवसाय और नए अवसरों का सृजन भी होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, ई शासन से प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है, सरकार की पूरी जानकारी सामने ही होती है। उदाहरण के लिए स्कूल कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश लेना है तो सभी छात्रों को पता रहता है और पता चल जाता है कि उन्हें किस जगह प्रवेश मिल सकता है। ई गवर्नेंस के थ्रू उनको पता चल जाता है। ई गवर्नेंस से सरकारी सेवाओं के वितरण और दक्षता में सुधार होता है और सेवा की दक्षता बढ़ती है। दोस्तों अगला पॉइंट है, प्रशासन में भ्रष्टाचार कम, खुलापन हो जाता है और सरकार में भी विश्वास बढ़ता है लोगों का। दोस्तों अगला पॉइंट है, ई गवर्नेंस से कर्मचारियों का कार्य वितरण अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जैसे सरकारी कर्मचारी ने कुल कितना काम किया है इसका सीधा पता चल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के नुकसान के बारे में, जैसे कि ई गवर्नेंस के कुछ लाभ हैं तो इसके कुछ हानियां भी हैं। दोस्तों पहला पॉइंट है, हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकता। भारत एक विकासशील देश है जहां पर हर किसी के पास लैपटॉप, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इसलिए हर कोई इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता। दूसरा, भारत जैसा एक विकासशील देश है तो इसकी पहुंच में भी कमी है। इंटरनेट, कंप्यूटर सभी लोगों के पास न होने की वजह से जो ई गवर्नेंस की सुविधाएं हैं उसकी पहुंच में कमी है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, इंटरनेट की सुविधा ना होना या इंटरनेट का सुरक्षित ना होना। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि आप अपनी स्टडीज को लेकर कितना सीरियस हैं, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार के बारे में। ई गवर्नेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जब सरकार के किसी विभाग को दूसरे किसी विभाग को ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क करना होता है तो यह श्रेणी G2G के अंतर्गत आती है, यानी सरकार से सरकार तक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। दोस्तों दूसरा पॉइंट है G2C, सरकार से जनता तक, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन। सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस्परिक व्यवहार गवर्नमेंट टू सिटीजन श्रेणी के अंतर्गत आता है। मान लीजिए जब हम अपना आयकर और बिजली और पानी का बिल भरते हैं या शिकायत दर्ज करते हैं तो ये इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों तीसरा प्रकार है G2B, सरकार से व्यवसाय तक, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। इस श्रेणी के अंतर्गत सरकार व्यापार जगत से संपर्क कर लेन देन करती है, जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग करना, सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण इत्यादि। दोस्तों चौथा पॉइंट है G2E, सरकार से कर्मचारी तक, यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। इसमें सरकार अपने कर्मचारियों से डायरेक्ट संप्रेषण करती है, यानी बातचीत करती है। दोस्तों अगला प्रकार है C2C, नागरिक से नागरिक तक, सिटीजन टू सिटीजन। यानी इस श्रेणी के अंतर्गत नागरिकों का पारस्परिक संपर्क होता है, यानी जैसे कि हम इंटरनेट के जरिए लोगों से बात कर सकते हैं, वो इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों अब बात करते हैं ई गवर्नेंस की उपयोगिता के बारे में। पहला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग देश विदेश के घटनाक्रम से भलीभांति परिचित रह सकेंगे, यह इसकी सबसे पहली उपयोगिता है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, सूचना का अधिकार है, ई प्रशासन मिलकर देश के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकेंगे। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, विभिन्न योजनाओं परियोजनाओं की जानकारी एक आदमी तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाई जा सकती है, ताकि वह उसके बारे में जान सके और उसका लाभ उठा सके। दोस्तों अगला पॉइंट है, इसके माध्यम से योजनाओं एवं दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखरखाव संभव हो सका है, यानी ई गवर्नेंस के थ्रू जो योजनाएं हैं और दस्तावेज हैं उनको एक अच्छी तरीके से उनका रखरखाव हो सका है। दोस्तों अगला पॉइंट है, सूचनाएं सीधे संबद्ध व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी, यानी बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी, जो एक शोषण का प्रमुख कारक होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, ज्ञान आधारित भारत के निर्माण में ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि ई गवर्नेंस पर एक छोटी टिप्पणी लिखिए या शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है।
और एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये वीडियो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।